फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आपके पास बैंक सेविंग अकाउंट है तो भूल कर भी ये तीन गलतियां न करें, नहीं तो आपको हैवी पेनल्टी देना पड़ सकता है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने बैंक में बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट BSBDA खुलवाया हुआ है तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आपकी अनजाने में की गई छोटी सी गलती के चलते हैवी चार्ज देना पड़ सकता है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक बैंकों ने BSBDA के लिए तय विड्रॉल लिमिट से ज़्यादा ट्रांजेक्शन पर कस्टमर से मोटा चार्ज वसूला। BSBDA एक जीरो बैलेंस अकाउंट होता है जिसे कोई भी खुलवा सकता है, साथ ही इसमें मिनिमम बैलेंस रखने का भी झंझट नहीं होता। लेकिन RBI द्वारा BSBDA अकाउंट के लिए तय दिशा निर्देश के मुताबिक इस अकाउंट से तय विड्रॉल लिमिट क्रॉस हो जाने के बाद यह अकाउंट BSBDA अकाउंट नहीं रहता है। आइए आपको बताते हैं BSBDA अकाउंट की खासियत क्या है और इन्हें खुलवाने के बाद क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। खासियत, BSBDA अकाउंट को कोई भी भारतीय नागरिक खोल सकता है। इसके लिए उम्र या पैसों का कोई अवरोध नहीं है। अकाउंट को एकल ज्वाइंट में खुलवाया जा सकता है। इस अकाउंट को जीरो बैलेंस पर खोला जा सकता है, साथ ही इसमें मंथली मिनिमम बैलेंस रखने का भी झंझट नहीं है। इस अकाउंट से भी नॉर्मल सेविंग्स बैंक अकाउंट की तरह डिपॉजिट बैंक या ATM से कैश विड्रॉल, इंटरनेट बैंकिंग, फंड ट्रांसफ़र, केंद्र व राज्य सरकार की ओर से आने वाले चेक को डिपॉजिट आदि किया जा सकता है। ये सभी सर्विसेज फ्री है। BSBDA अकाउंट के तहत मिलने वाला ATM कार्ड फ्री ऑफ चार्ज है। इन पर कोई सालाना फीस भी नहीं है। BSBDA अकाउंट के ऑपरेशनल न रहने पर भी कोई चार्ज नहीं है, साथ ही अकाउंट को बंद करवाने पर भी चार्ज नहीं है। अगर कोई कस्टमर अपने नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट को BSBDA अकाउंट में कन्वर्ट कराना चाहता है तो इसकी भी सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए कस्टमर को लिखित में सहमति देनी होगी। ये गलतियाँ पड़ेगी भारी। दूसरा, सेविंग्स अकाउंट रखना। आप किसी भी बैंक में एक से ज़्यादा BSBDA नहीं खुलवा सकते। वहीं इस अकाउंट को खुलवाने के बाद आप उसी बैंक में कोई और सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल सकते। अगर आपका पहले से कोई सेविंग्स अकाउंट है और इसके बाद आप BSBDA खुलवाते हैं तो आपको पुराने सेविंग्स अकाउंट को 30 दिनों के अंदर बंद करवाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बैंक ऐसा कर देगा। हालांकि आप FD, करंट अकाउंट, RD जैसे अन्य अकाउंट रख सकते हैं। महीने में चार से ज़्यादा विड्रॉल। इस अकाउंट में एक माह में चार से ज़्यादा विड्रॉल नहीं किए जा सकते। इसमें अपने बैंक ATM या अन्य बैंक ATM से पैसे निकालना भी शामिल है। इसके अलावा चार विड्रॉल की लिमिट ख़त्म हो जाने पर आप फंड ऑनलाइन पेमेंट या फंड ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ तो बैंक आपसे चार्ज वसूलने के लिए मुक्त है। एडिशनल सर्विस की मांग। इस अकाउंट के लिए तय सर्विसेज के अलावा बैंक BSBDA के लिए अन्य एडिशनल सर्विस जैसे चेकबुक फैसिलिटी देने के लिए मुक्त है। एडिशनल सर्विस पर बैंक चाहे तो चार्ज भी ले सकते हैं, लेकिन एडिशनल सर्विसेज मिलने के बाद इस अकाउंट को BSBDA के तौर पर ट्रीट नहीं किया जाएगा, यानी यह स्मॉल या नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट बन जाएगा। इन चीज़ों की है पाबंदी। BSBDA से महीने में 10,000 रुपये से ज़्यादा विड्रॉल या ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते। इन अकाउंट में एक साल में 1,00,000 रुपये से ज़्यादा जमा नहीं किया जा सकता। साथ ही किसी भी वक्त इस अकाउंट में मैक्सिमम बैलेंस 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता। BSBDA को खोलने के बाद 12 महीनों के अंदर KYC पूरी करानी होती है। उसके बाद अगर आपके पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन आपने उसके लिए अप्लाई कर रखा है तो इसका प्रूफ देने पर बैंक KYC के लिए अवधि और 12 महीने बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इससे रिलेटेड हमसे कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।